क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मानव ने क्या ना चाहे, क्या ना चाहे, क्या ना चाहे, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हाँ मैं, मैंने देखा। देखा? फिर मैंने जो बोला वो सब वेस्ट गया। नहीं नहीं मेहर, मुझे तुम्हारे मुंह से मानव की तारीफ सुनने में और भी मजा आ रहा है। बताओ। हाँ ओके, मैं बताती हूँ। मानव ने क्या नाचा है, क्या नाचा है, और डांसिंग शूज। हाँ डांसिंग शूज, उन्होंने भी क्या नाचा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मेहर अब मुझे वो जादुई जूते लौटा दो। लौटा दूं? क्यों मेहर? क्योंकि हमारे बीच में यही तय हुआ था कि मानव के ऑडिशन पार होने के बाद तुम मुझे जादुई जूते लौटा दोगी। मैं सोच क्या रही हो, मुझे जादुई जूते लौटा दो। बालवीर तुमने तो देखा ही होगा कि मानव कितना खुश था उसके परफॉर्मेंस के बाद। हाँ तुमने ये भी देखा होगा कि जो डांस के नाम पे भागता था वो खुद डांस करना चाहता है। हाँ और मानव का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है। हाँ तो क्या तुम चाहते हो कि मानव का डांस, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी खुशी सब अभी खत्म हो जाए? हाँ। हाँ? नहीं नहीं मेहर। तो फिर तुम जादुई जूते क्यों मांग रहे हो? मेहर क्योंकि हमारे बीच में यही तय हुआ था कि ये जूते मानव को योग्यता परीक्षा पार करने के लिए दिए जा रहे हैं, न कि मुकाबला जीतने के लिए। मेहर और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये दूसरे बच्चों पर अन्याय होगा जो मेहनत करके इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं। बालवीर मैं भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि दूसरे बच्चों के साथ अन्याय हो और मानव जादू शक्तियों की वजह से डांसर ऑफ द ईयर बने। हम भी सात सच्चों के परिवार से हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मानव अच्छे से डांस स्टेप्स नहीं सीख लेता तब तक उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर ये बात है तो मैं इसके बारे में नटखट परी से बात करूंगा और उनसे आज्ञा लूंगा। पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इन जूतों का उपयोग मुकाबला जीतने के लिए नहीं करोगी। वादा? वादा। अरे मांग रहा था मुझसे माफी। तुमने माफ किया? अरे नहीं नहीं आगे तो सुनो। जोड़ रहा था अपने हाथ, नाक रगड़ते हुए अपनी कह रहा था, भैया बचाओ मेरे प्यारे भैया, बचाओ मत उड़ाओ मुझे भैया। तुमने माफ किया? ए, नहीं नहीं दे दी सजा मैंने उसे, बांध के एक पतंग को उड़ा दिया आसमान में। बचाओ भैया बचाओ। भैया बोलिए ना इस तोते को। ए तोते उड़ उड़ उड़। ए तोते होना चाहिए ऐसे ही तुम्हारे साथ। हाँ तोबा तोबा, फंसा दिया कहाँ मुझे इस परी बहन पे। बचाओ। हाँ अब नहीं बचा सकता तुम्हें कोई भी। क्यों हे आ रहा ना मजा इस सजा में? नहीं आ रहा मजा भैया। बचाओ भैया। डुबा डुबा खुश रहो, डुबा डुबा खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। डुबा डुबा नटखट परी कहाँ है? नटखट परी और बाकी परियां रानी महल में। रानी महल में? तो डुबा डुबा क्या तुम नटखट परी को बता दोगे कि मैंने उनके नाचने वाले जादुई जूते कुछ और दिन के लिए मेहर को इस्तेमाल करने के लिए दिए? बता दूंगा वो मैं, लेकिन कब ये नहीं बोल सकता।
क्योंकि है चल रही बहुत गंभीर चर्चा तुम्हारी वजह से रानी महल में। मेरी वजह से गंभीर चर्चा, और वो भी रानी महल में? हाँ। किस बारे में डूबा डूबा? जब से लेकर आए हो तुम भयंकर परी को यहाँ परीलोक में, चर्चा चल रही है वही कि भयंकर परी को परीलोक में रखना सही है या नहीं। भयंकर परी पर कुछ परियों को भरोसा है, कुछ परियों को नहीं। कहाँ छुपाऊँ ये डांसिंग शूज? ऑडिशंस में तो बच गई, लेकिन अभी मैं ये कहाँ छुपाऊँ? हाँ, अलमारी। नहीं, यहाँ भी नहीं। हाँ, यहाँ रख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई अपने जूते रखते ही नहीं है, इसलिए ये शूज किसी और शूज के साथ टच ही नहीं होंगे। हाँ, यहाँ रखती हूँ। अरे चप्पल कहाँ रख दिए? कहाँ रख दिए चप्पल? यहाँ भी नहीं है। कस्तूरी, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो और ऐसे कपड़े क्यों पहने? 26 जनवरी कब की चली गई? अरे वो लिली बेन ऑफ हो गई। हाँ हाँ, तो ऑन कर दो। अरे ऑफ हो गई मतलब इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा, दुनिया में नहीं रही। क्या, लिली बेन इस दुनिया में नहीं रही? ए भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? लिली बेन को आपके पास बुला लिया। ए भगवान, तुम लिली बेन को जानती थी? नहीं। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? तो क्या करूं, हंसू? अरे लिली बेन थी कौन? अरे वो मेरे दूर के दोस्त है ना, पोपट। दूर का दोस्त? हाँ, अरे मतलब हमारे घर से काफी दूर रहता है, तो दूर का दोस्त हुआ ना, उसकी बीवी लिली बेन। अच्छा, पोपट भाई की बीवी है? हाँ, होगी। होगी मतलब? मतलब मैं तो उनको भाभी कहता हूँ ना, घर पे जाता हूँ तो मुझे क्या मालूम कि उनका नाम क्या है। लेकिन जिस हिसाब से पोपट ने मुझे बताया, उस हिसाब से लगता है कि उसकी बीवी होगी। कैसे बोला था? आगे आगे। अमृत, अमृत, आगे आगे। अमृत, अब आगे जगह नहीं है। अरे मैं आगे जाने की बात नहीं करूँ, आगे क्या हुआ? नहीं रही अमृत, पोपट की लिली बेन नहीं रही। लिली बेन? पर अभी तो आपने पत्नी कहा। मतलब पोपट की लिली नहीं रही। वेरी वेरी बैड लव स्टोरी। अरे बैड नहीं, सैड लव स्टोरी। हाँ वो वही, सेम टू सेम। अरे ये तेरे सेम टू सेम के चक्कर में मैं शोक सभा में जाना भूल जाऊंगा। मुझे शोक सभा में जाना है। वो मेरे सफेद चप्पल कहाँ है? ओ हाँ, वो वहाँ अलमारी पे है, देखिए वो बॉक्स में। अरे हाँ, अलमारी पे है। अरे बहुत ऊपर है। अरे बॉक्स तो नीचे गिर चुका है, चप्पल यहाँ है, आप ऊपर क्यों लटक रहे हो? नीचे आ जाओ। अरे मैं अटक गया हूँ। हाँ हाँ, क्या? अरे बाप रे, बाबूजी अटक गए। कहाँ कहाँ अटक? बाबूजी, आइए नीचे नीचे आइए नीचे। घूमिए घूमिए घूमिए, हाँ घूमिए। एक मिनट खड़े रहिए बाबूजी, एक मिनट। पकड़ी बाबूजी, पकड़ी बैग, पकड़ी। छोड़िए, सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन यहाँ क्या करने गए थे आप? यहाँ क्या करने गए थे बाबूजी? मेरे सफेद चप्पल है ना, अलमारी पे थे, उसे उतार रहा। कहाँ? अरे 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 सुनो, चप्पल तो नीचे गिर चुकी है। हाँ नीचे गिर। रीता, ये इस बैग में वो, नहीं मैं बता रहा था वो। हाँ हाँ हाँ। इसमें ये इस बैग में वो। अच्छा वहाँ निकली। अरे ये इस बैग में क्या है? आपको शोक सभा में नहीं जाना है। यहाँ जाना था। चलता हूँ। ये भारत में जा रहे हैं? नहीं। तो ये फिर ये मानो के चप्पल लेके क्यों जा रहे हो? अरे ये बच्चे भी है ना, जूते कहाँ पे भी रख दे। मिल गए मेरे सफेद जूते। मिल गए? हाँ। प्लीज
अब वो शोक सभा में ना नहीं अटक जाना। मैं तेरी बातों में अटक जाऊंगा। हाँ, जाइए जा। चल। भयंकर परी एक बहुत ही दुष्ट और खतरनाक परी है, इसलिए मुझे पूरा यकीन सत्यजल की परीक्षा को पार करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर की होगी। रानी परी, आप ही नटखट परी को समझाइए, सत्य जल की परीक्षा पार करने के लिए कोई भी गड़बड़ नहीं की जा सकती है। बिना सच्चे और अच्छे हुए कोई भी ये परीक्षा पार नहीं कर सकता। आप सही कह रही है बाल परी, लेकिन नटखट परी का भयंकर परी पर विश्वास ना करना ये भी गलत नहीं है। भयंकर परी ने हमारे साथ और पृथ्वीलोक के बच्चों के साथ इतिहास में जो कुछ भी किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन रानी परी, किसी के इतिहास की वजह से उस पर बेवजह संदेह करना भी तो ठीक नहीं है ना। अब संदेह का कोई इलाज भी तो नहीं है, इसे तो किसी जांच के बाद ही मिटाया जा सकता है। तो अगर नटखट परी को अभी भी संदेह है भयंकर परी पर, तो नटखट परी को अपने तरीके से परीक्षा लेनी चाहिए और अपना संदेह दूर करना चाहिए। लेकिन कैसे रानी परी, हम ऐसी क्या परीक्षा ले भयंकर परी की जिससे हमारा संदेह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। खुश रहो रानी परी, खुश रहो परिया, खुश रहो बालवीर, खुश रहो बालवीर। आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले, और मैंने सब कुछ सुन लिया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। रानी परी, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम नटखट परी का संदेह हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कैसा तरीका बालवीर? एक ऐसी परीक्षा जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भयंकर परी ने बुराई का रास्ता छोड़ा है या नहीं। क्या वो सचमुच बच्चों की मदद करना चाहती है या नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बाद भयंकर परी की कोई भी परीक्षा ना हो। अगर वो इस परीक्षा को पार नहीं कर पाई तो मैं खुद अपनी गलती मानकर उसे सजा दूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए भयानक लोग छोड़ाऊंगा। लेकिन अगर भयंकर परी ने इस परीक्षा को पार कर लिया तो आप सबको उसे प्यार से परीलोक में रहने की आज्ञा देनी होगी। ठीक है बाल, हम ऐसा ही करेंगे। तो बताइए बालवीर, परीक्षा क्या है? अभी बताता हूँ रानी परी, आज्ञा दीजिए। आज्ञा है बालवीर। हे भटकाती परी, चलाओ ऐसा चक्कर, हो परियों के शक का अंत, रानी परी जैसा जादुई डंड बन जाए तुरंत। आपकी परीक्षा समझ गई बालवीर। तो क्या हमें परीक्षा शुरू करने की आज्ञा है? आज्ञा है। खुश रहो रानी परी, खुश रहो बालवीर, खुश रहो बालवीर। आइए आइए, दीजिए बस दीजिए। चल इधर इधर आओ। पहले क्या हुआ बॉस? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? और वो भी पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेके? आपके होश उड़ाने के लिए। क्या हमने काम ही ऐसा किया है बॉस? मतलब ये हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसके बाद आपको डीओटी वाई हारने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, क्या कहा? मुझे हारने से पिज्जा लाओ मेरे वापस। अरे बॉस, नहीं नहीं वो कितनी बार का है मोंटू बॉस के सामने सच मत बोला कर, मान के ना बुरा। क्या कुसुर पुसुर हो रही है? अरे बॉस कुछ नहीं, मैं तो इसको समझा रहा था कि आप हारने से नहीं, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ आइए बॉस, आपको कुछ दिखाते हैं। हाँ चलो चलो। अरे छोड़ो, ये कैसी जैकेट है बॉस? ये डिस्को डांसर जैकेट है, डिस्को डांसर। हाँ बॉस, ये सारे बल्ब जलते हैं।
एक बार आपने स्टेज पे एंट्री मारी तो ऐसे झटके लगेंगे, ऐसे झटके लगेंगे कि देखने वाले के होश उड़ जाएंगे। वाह रोहित, वाह रोहित, मुझे पता है ना क्या करना है? हाँ पता है ना। ए बॉस धुआं। गुड बॉय। और केवल तू जाके लाइट का बटन ऑन कर और दिखा दे सबको इस जैकेट का जलवा। लगने दे सबको झटके, झटके में झटके। ओके बॉस। वाह बॉस वाह। अरे केवल देख देख क्या मस्त हाथ हिल रहा है बॉस के। पूरा बॉडी हिल रहा है। अरे वाह टूट जाएगा, पूरा स्टेज हिल जाएगा। अरे वाह बॉस, आप तो अभी से धुआंधार परफॉर्मेंस दे रहे हो, स्टेज पे तो आग लगा दोगे। वाह बॉस वाह बॉस। हाँ बॉस। शिवस लगेंगे ना सबको झटके। हाँ सबका तो पता नहीं पर मुझे बड़े जोरों के झटके लगे। बाय द वे ये आईडी किसका था? उसका। लेकिन सामान तो तूने लाया था। लेकिन सिलाया तो तूने था। लेकिन बुलाया तो तूने था। बॉस को जैकेट तूने पहनाया था और ऑन भी तूने किया था। पर इसमें तेरी गलती है। नहीं तेरी गलती है। अक्कल के आने के लिए शक्ल करने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? अगली बार से ऐसा नहीं होना मांगते। ये मेरे लिए नहीं सबके लिए डेंजरस है, सबके लिए। समझ गया बॉस, इट्स डेंजरस टू हेल्थ। हां बॉस, इट्स सॉरी बॉस। ये तो रानी परी का राजदंड है बालवीर, और ये तुम्हारे पास कहां से आया? नाराज परी, ये रानी परी का असली राजदंड नहीं है, ये तो बस उसके जैसा बनाया हुआ नकली राजदंड है। क्या नकली राजदंड? नाराज परी, ताराज परी, हम चाहते हैं कि आप ये राजदंड भयंकर परी तक पहुंचाएं और उनसे कहें कि ये राजदंड हमने रानी परी से चुराया है, और उन्हें ये भी कहना कि इस राजदंड की शक्तियों की मदद से वो पूरे परी लोक पर राज करें। लेकिन बालवीर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं? और ये सब करने के लिए तुम हमें ही क्यों कह रहे हो? हम भयंकर परी की परीक्षा ले रहे हैं। अगर भयंकर परी ने तुम्हारे हाथ से ये रानी परी का राजदंड ले लिया तो हम समझ जाएंगे कि भयंकर परी के दिल में अभी भी बुराई है, वो कभी नहीं सुधर सकती, वो परी लोक का बुरा चाहती है, और हम भयंकर परी को परी लोक से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। ये समझ लो कि भयंकर परी का सच जाने के हम उसे रानी परी के राजदंड का लालच दे रहे हैं। लालच, मेरा परी लोक पर राज करने का लालच ही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। तौबा तौबा। हाँ हूँ जानता, ये तो मैं भी, पर ऐसा करोगे कैसे आप? है क्या खेल आपका? रानी परी के राजदंड को हासिल करना ही मेरा असली खेल है। तौबा तौबा। बस एक बार वो दंड मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद ये सब मेरे गुलाम होंगे। है नहीं कोई हलवा पूरी रानी परी का राजदंड के हाथ बढ़ा लिया और खा लिया। जानती हूँ, इसीलिए मैंने वो राजदंड चुराने का फैसला कर लिया है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।